तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप? चलो स्वागत आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर शब में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो होने वाली है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि अपने ओमनी किंग गोकू वर्सेस गॉड किलर वेजिटो। तो वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर कोई चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। सो जो नए हैं वो सब्सक्राइब करो, जो पुराने हैं वो लाइक करो, जो मीडियम है वो कमेंट करो, और हैप्पी दिवाली। वैसे हो गई है बट हैप्पी दिवाली। सो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो गाइस शुरू करते हैं ओमनी किंग वेजिटो के बारे में। तो ओमनी किंग गोकू के बारे में। तो ओमनी किंग गोकू जो है वो ओमनी किंग के साथ फ्यूज हो गया था, जिससे बना है ओमनी किंग गोकू। ओमनी किंग गोकू बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओमनी किंग गोकू के पास अपने ओमनी किंग की सारी पावर्स हैं, जिससे वो अपनी ओमनी किंग की सारी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। एंड अपना जो गोकू है ना, इस फॉर्म में अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब गोकू इस फॉर्म में अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब इस फॉर्म में वो एक नाय ओमनीपोटेंट बीइंग है। एक नाय ओमनीपोटेंट बीइंग, आपको पता ही होगा कि नाय ओमनीपोटेंट बीइंग क्या होता है। नाय ओमनीपोटेंट बीइंग मतलब ओमनीपोटेंट बीइंग के पास सबसे स्ट्रांगेस्ट बीइंग। हाँ, सो अपना जो गोकू इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओमनी किंग की सारी पावर को अपने को यूज़ कर सकता है। तो मैं आपको चलो इसकी पावर बताता हूँ। इसकी पावर जो है वो कम से कम, इसकी जो पावर लेवल है ना, वो 8759200000000000000000 अनलिमिटेड जीरो है। तो उसकी सबसे पहले नेचुरल एबिलिटीज की बात करते हैं, तो आती है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्पीड, एब्सोल्यूट ड्यूरेबिलिटी, इरेजर इम्यूनिटी, अल्टीमेट इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन, मल्टीवर्स मैनिपुलेशन, मल्टीवर्स रिक्रिएशन, डेथ इन डॉक्यूमेंट, रियलिटी वैपिंग, नाय ओमनीपोटेंट, नाय ओमनीसिएंट। सो टेक्निक्स की बात करें तो उसके पास आती है फ्लाइट, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, इंस्टेंट मूवमेंट, पोर्टल क्रिएशन, मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, ट्रिकी स्टाइल मतलब ट्रिकी स्ट्राइक, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपथी। तो अगर ऐसे कुछ अटैक्स की बात करें, जो उसके सबसे पावरफुल अटैक्स हैं वो है टेलीपोर्टिंग पंच, टेलीपोर्टिंग अपरकट, बॉइलिंग ब्रेथ, पावर स्मैक, की ब्लास्ट, इरेज, स्पीयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स बस्टर, रोअर कैनन, डिसइंटीग्रेशन। एंड अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें बताती है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ईवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ओमेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ब्लैक इंस्टिंक्ट। एंड देन इसके पास आती है गाइस यही पावर है जो अपने ओमनी किंग को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। तो अब बात करते हैं अपने गॉड किलर वेजिटो के बारे में। तो गॉड किलर वेजिटो को आपको पता होगा, जिसने अपने जो यूनिवर्स है उसके गॉड डिस्ट्रक्शन को मार दिया था, यानी कि बीरस को मार दिया था। एंड बीरस को मारने के बाद सारे गॉड डिस्ट्रक्शन ने मिलकर इसके प्लैनेट को तबाह कर दिया था, और अपना क्या बोलूँ, अब अपना जो सारी की सारी गॉड डिस्ट्रक्शन है उसने इसके जो प्लैनेट को तबाह कर दिया। एंड गोकू गुस्से में आ गया, और देन ग्रैंड बिश ने गोकू को कैद कर दिया। जब गोकू को कैद किया तो गोकू 10 साल तक कैद रहा, एंड देन वो बाहर आया, एंड देन सारे के सारे गॉड डिस्ट्रक्शन को मारना स्टार्ट कर दिया। अब तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिकॉज उसने बहुत से गॉड डिस्ट्रक्शन और एंजल्स की पावर को एब्जॉर्ब किया। उसका हाथ भी एक साइबॉग का है, वो चाहे तो एंजल्स एंड गॉड डिस्ट्रक्शन को अपनी मदद के लिए बुला सकता है। सो उसकी पावर की बात करें तो उसमें आती है सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, एब्सोल्यूट स्पीड, एब्सोल्यूट ड्यूरेबिलिटी, नाय ओमनीपोटेंस थोड़ी बहुत ही उसको आती है, फ्लाइट, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, इंस्टेंट मूवमेंट, मास्टर ऑफ सेल्फ मूवमेंट, की ब्लास्ट जैसे अटैक्स अपने। सो उसके पास और बहुत अटैक्स आते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसको आती है गॉड स्प्लिट कट एनर्जी बॉल, सुपर ब्लैक कामयामेहा, 100 रिंग ऑफ लाइट, और इसके पास सारे के सारे टाइम रिंग्स है, ब्लैक स्प्लिट बॉम आता है इसके पास, बिकॉज इसने अपने अंदर ब्लैक को भी एब्जॉर्ब कर रखा है। यार अपने अंदर ब्लैक को भी एब्जॉर्ब कर रखा है, सोचो ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा यार, सोचो तो सही। सो दोनों की पावर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, विनर की बात करते हैं, विनर कौन होगा। सो आई थिंक इन मैच का विनर काफी ज्यादा इजी है, बट आई थिंक इस मैच में ओमनी किंग गोकू जीत जाएगा। आई थिंक सो यार, मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि ओमनी किंग गोकू जीत जाएगा। अपनी कमेंट राय बॉक्स में बताएं, बिकॉज आगे चल के शायद वेजिटो ओमनी किंग गोकू को हरा सकता है, बट अभी के लिए नहीं। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय 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 बाय।